ओके जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, कितने प्रॉब्लम है इसमें आपके जो सिलेबस में है? हाँ, कौन कौन से छोड़े, कौन से हैं वो बता दो। पहले दो? पहले दो नहीं है। ओके जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 19.3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन, यहाँ पे पहले तो बी सी डी लिखा हुआ है, हालांकि लिखा होना चाहिए ए बी सी। ठीक है, फर्स्ट है जी रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर, सेकंड वन इज द ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, एंड द थर्ड वन इज एक्सरेज विद वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर। एक फोटोन की एनर्जी हमने मालूम करनी है। डिफरेंट हमारे पास फोटॉन्स बताए गए हैं। वी हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए है हमारे पास? रेडियो वेव। इसके लिए वेवलेंथ, मैं इसके साथ आर लिख देता हूं रेडियो वेव के लिए। अब 100 मीटर काफ़ी बड़ी होती है रेडियो वेव, वेवलेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अगर वेवलेंथ ये हो तो उस सूरत में एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव विल बी इक्वल टू एच एफ या एच न्यू से जाहिर कर देते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं एच सी ओवर लैम्डा। लाजमी तौर पे रेडियो वेव के लिए हम लिख रहे हैं तो रेडियो वेव की वेवलेंथ यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होती है? 6.63 - 34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 100। अब उसके बाद वाला काम जो आप लोगों ने खुद करना है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी फॉर रेडियो वेव वो इससे हम हल करेंगे। हो जाएगा ये हमारे पास जो भी आंसर आ जाए उसके लिए। बी पार्ट में क्या पूछा है जी? ग्रीन लाइट के लिए। अब अगर ग्रीन लाइट की बात करते हैं तो फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, लैम्डा लिख देते हैं। लैम्डा ग्रीन लाइट के लिए क्या है जी? 550 नैनोमीटर। तो इसको हम लिखेंगे -9 मीटर। बाकी तमाम पैरामीटर उसी तरह ही हों, सिर्फ ये 100 की जगह -9। यस, 515 × 10⁻¹⁹ आएगा। और उस सूरत में बाकी तमाम पैरामीटर्स इसी तरह ही हैं, सिर्फ 100 की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। एच की वैल्यू भी सेम रहेगी, सी की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो इसका मतलब हमारे पास ग्रीन लाइट के लिए, और इसी तरीके से थर्ड वन इज एक्सरेज के लिए लैम्डा एक्स लिख देता हूँ मैं, वो है 0.2 नैनोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.2×10⁻¹⁹ मीटर। अगेन हमारे पास फार्मूला भी यही रहेगा, रिजल्ट भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ 100 की जगह पे 0.2×10⁻¹⁹ आ जाएगा। समझ आ गई बात? ओके जी, प्रॉब्लम 19.4 लगातार ही है ना प्रॉब्लम बाकी? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन सीजियम सरफेस, द स्टॉपिंग वोल्टेज इज फाउंड टू बी 0.25 वोल्ट। पहले हम इसके वेवलेंथ लिख लेते हैं जी। लैम्डा वो हमारे पास है 577 नैनोमीटर, वेवलेंथ गिवन है, और स्टॉपिंग वोल्टेज
वोल्टेज को हम कैपिटल वी से जाहिर करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.25 वोल्ट. फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हमने मालूम करना है. और बी पार्ट में कहा गया है वर्क फंक्शन ऑफ दी, ये ए पार्ट है वर्क फंक्शन. और इसको हम फाई से डिनोट किया था हमने, याद है? फाई हमने मालूम करना है फॉर द मेटल सरफेस. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये था कि ये रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है जो रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. अब ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो इसका मतलब वो दिया हुआ है, तो वही असल में उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. तो वी कैन से दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू वी ई. दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्यों? कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसको रोक सकेंगे. तो इसलिए ये हमारे पास उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा. अब वैल्यूज़ दी हुई हैं, वी की वैल्यू 0.25 है, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻¹⁹. ये हमारे पास जाउल पर कूलम होगा, मल्टीप्लाइड बाय कूलम करेंगे तो जाउल में आंसर आ जाएगा जितना भी आता है. समझ आ गई बात? मुश्किल काम तो नहीं. उसके बाद वर्क फंक्शन मालूम करना है. अब इक्वेशन जो हमने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी हुई है ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्या थी? कि हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू एच एफ माइनस फाई वर्क फंक्शन. अब एच एफ, एफ तो गिवन नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि फाई मालूम करना है हमने, ये इधर आ जाए एच एफ. एच एफ की जगह मैं लिख देता हूं एच सी ओवर लैम्बडा. एच सी ओवर लैम्बडा कर दिया और काइनेटिक एनर्जी को इधर ले जाएं. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने यहां से ले ली, एच सी ओवर लैम्बडा एनर्जी ऑफ द फोटोन हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास वर्क फंक्शन के बराबर आ जाएगा. समझ आ गई बात? ओके जी, ये था हमारे पास 19.4 एंड देन 19.5. एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 22 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम द कार्बन टारगेट, द स्कैटर्ड रेडिएशन बीइंग व्यूड एट 85 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम. व्हाट इज द कॉम्पोनेंट शिफ्ट? कॉम्पोनेंट शिफ्ट यानी डेल्टा लैम्डा हमने मालूम करना है. गिवन डाटा इज वेवलेंथ है 19.5, वेवलेंथ है जी कितनी 22, हाँ भी कोई मसला तो नहीं है. ओके 22 पिकोमीटर और थीटा यहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो 85 डिग्री पर हो रही है. डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट हमने मालूम करनी है. फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा. एच की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी होती है? एच की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड. एम नॉट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है?
9.131 किलोग्राम, सी 3 ले लेते हैं जी इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड, सारे कांस्टेंट हैं, सिर्फ थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है तो रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गई बात? इसका मतलब यहाँ पे हमें इंसिडेंट वेवलेंथ ना भी पता होती तो हम मालूम कर सकते थे, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन क्या होती, तो क्या करते, फिर हम करते हैं ये लैम्डा इंसिडेंट माइनस, बढ़ती है कि कम होती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है ना, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये डेल्टा लैम्डा की जगह लिख देते, तो लैम्डा डैश को करने के लिए दूसरी तरफ जाके जमा कर देते उसको। बात समझ आ गई कि नहीं? ये मैंने इसलिए बताया कि आगे एक क्वेश्चन में इसी तरह ही आ जाएगा। 19.6 है जी, ए 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रे फोटोन इज फायर्ड एट कार्बन टारगेट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स। अब यहाँ पे एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, एनर्जी ऑफ दी 19.6, ओके जी, एनर्जी ऑफ द फोटोन 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सरे फोटोन इज फायर्ड एट ए कार्बन टारगेट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। अब यहां पे वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मालूम करनी है, लैम्डा हमने, मैं इसके साथ आई एन लिख देता हूं, एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन और लैम्डा एस लिख देता हूं, वो हम लैम्डा डैश और लैम्डा की जगह पे हम ये पुट कर रहे हैं। वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन फॉर स्कैटरिंग एंगल ऑफ 30° एंड 60°, नंबर वन थीटा इज इक्वल टू 30° और फिर इसी का काम हमने थीटा इज इक्वल टू 60° के लिए करना है। अब इंसिडेंट फोटोन है कौन सा, 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना, जौल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसको पहले जौल में कन्वर्ट करें और एच सी ओवर लैम्डा से अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो हो सकती है, यानी हमारे पास अगर इसको चलें ई ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 10 की ताकत 3 कर दे, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। अब 1.6 इंटू 10^-19 से मल्टीप्लाई कर दें तो जौल हो गए, ये हमारे पास जौल में आ गई। जितनी भी एनर्जी आ जाए वो हमारे पास ई, इनको हम एच सी ओवर लैम्डा इन लिख सकते हैं, यानी इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट लैम्डा इंसिडेंट इज इक्वल टू एच सी ओवर ई। यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ आ गई, दूसरा काम स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ मालूम करनी है। अब इंसिडेंट फोटोन तो हर सूरत में, दोनों सूरतों में एक ही है ना, खा ये सूरत हो या ये सूरत हो। अब स्कैटर्ड फोटोन की वैल्यू डिफर करेगी, अब वो कैसे मालूम करेंगे, ये अभी हमने जो काम किया यहाँ पे, मैंने क्या कहा था कि ये लैम्डा स्कैटर्ड माइनस लैम्डा इंसिडेंट इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1-cos θ। अब मैं इसको हल नहीं कर रहा, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ आपको पता चल गई, तो 30° पर स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ मालूम करनी है, तो ये दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा, बाकी तो सारी चीज़ें नोन है ना राइट साइड पे। इसी तरह 60° के लिए भी आपने स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ मालूम कर लेनी है। समझ आ गई बात? मुश्किल काम तो नहीं है ना, ओके जी। नेक्स्ट इज नंबर 7,
ये पार्ट नजर आ रहा है इसमें? मेरी खैर बोर्ड नजर आ रहा है ना यहां तक? ओके, नेक्स्ट इज नंबर 7. व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू फोटॉन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पॉजिट्रॉन एनिहिलेट्स एन इलेक्ट्रॉन? द रेस्ट मास और एनर्जी ऑफ ईच इज 0.51 MeV. जब हम बात करते हैं ना मैटर एनिहिलेशन की, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिल रहे हैं, तो असल में उनकी रेस्ट मास एनर्जी आपस में एनिहिलेट हो रही होती है. लेकिन यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि दो पार्टिकल ख़त्म हो रहे हैं एक जैसे, तो दो फोटोन एक जैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसका मतलब ये होगा कि हर पार्टिकल एक फोटोन बना रहा होगा. इट मीन्स कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होनी चाहिए, एनर्जी फॉर ईच फोटोन शुड बी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जिसको हम दिया हुआ है 0.51 MeV. बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी पता हो, तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी फोटोन की सूरत में लिबरेट होगी वो उतनी ही होगी. इट मीन्स कि हमारे पास वेवलेंथ मालूम करनी है, तो चूंकि एनर्जी एच सी ओवर लैम्डा के बराबर होती है, तो इसलिए ये 0.51 × 10⁻⁶ का मतलब 6 हो गया, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल बन जाएगा. तो यहाँ से वेवलेंथ इन मीटर्स कैलकुलेट कर सकेंगे. समझ आ गई बात? मुश्किल काम तो नहीं? ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जी नंबर 8 की तरफ. डस्टर है क्या? ओके जी, इस तरफ आ जाते हैं. नंबर जी 8, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 m/s. वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय डिब्रॉय हाइपोथेसिस. अब डिब्रॉय कह लें, डिब्रॉगली कह लें, उसने कोई गुस्सा नहीं करना, इसलिए बेफिक्र होकर कहें. तो डिब्रॉय हाइपोथेसिस के मुताबिक लैम्डा की वैल्यू एच ओवर एम वी के बराबर होती है. समझ आ गई? अब कहा ये है कि फर्स्ट केस में मास है 140 ग्राम और वेलोसिटी है 40 m/s. जब हम इसको हल करते हैं लैम्डा एच ओवर एम वी, तो एच की वैल्यू 6.63 × 10⁻³⁴ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द 140 ग्राम, 0.140 kg. ठीक है, 0.140 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 40 m/s. इसी तरह ही लिखें जी, इसको हम हल करें. चलें जी, आंसर मैं यहाँ से देख के लिख देता हूँ. 1.18 × 10⁻³⁴. अच्छा, ये वैल्यू अगर देखें 10⁻³⁴ m, ये इतनी स्मॉल है कि हम किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते. इसलिए डेली लाइफ की जो स्पीड्स और जो मासेस होते हैं उनके जो वेवलेंथ कोरस्पोंडिंग टू दोज पार्टिकल्स, वो डिटेक्टेबल नहीं होती.
यानी हम इसको इंटरफेयर या डायफ्रेक्शन का फिनोमेना भी इसकी मदद से ऑब्जर्व नहीं कर पाते बिकॉज हम इतनी नैरो स्लिट्स ही नहीं बना सकते। लेकिन अगले हिस्से में अगर आप देखें बी पार्ट में ए प्रोटॉन मूविंग एट द सेम स्पीड, अब प्रोटॉन मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, कितना 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। वेलोसिटी उसने कहा उतनी है यानी 40 मीटर पर सेकेंड। अगर एक प्रोटॉन इस स्पीड के साथ ही मूव कर रहा हो तो उस सूरत में उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो इसी तरीके से h ओवर m नॉट c के साथ वैल्यूज पुट करें, आंसर जो आ रहा है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, वो बन रहा है 9.92 नैनोमीटर। ये बनते हैं। अब ये वैल्यू ऐसी है जो डिटेक्टेबल हो सकती है, यानी हम प्रोटॉन को इंटरफेयर या डायफ्रेक्ट करवा सकेंगे बिकॉज वी कैन हैव सच काइंड ऑफ स्लिट्स। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये तो डिटेक्टेबल होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे वो और भी बड़ी हो जाएगी, तो मतलब और ज़्यादा डिटेक्टेबल हो जाएगी, तो हम ज़्यादा इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे जी इसी तरीके से आपने सी पार्ट भी कर लेना है। नंबर 9 है जी, व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी दी हुई है 19.9, एनर्जी है हमारे पास 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है जी, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमें मास और वेलोसिटी चाहिए। यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है वैसे, एम वी स्क्वेयर, ये काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली ना। अब मैं अगर इसको दो को इधर ले जाऊं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी और m से मल्टीप्लाई भी कर दूं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। समझ आ रही मैं क्या करने जा रहा हूं, हमें ये चाहिए एम वी चाहिए, हमारे पास क्या आ गया एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, एम वी कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, एम वी निकला। फायदा क्या हुआ हमें कि ये वैल्यू हमें पता है 2, ज़रब काइनेटिक एनर्जी 120, ज़रब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेरा ख्याल आप लोगों को पता ही है 10 टू द पावर माइनस 31। प्रोटॉन से ये तकरीबन 1000 गुना फर्क है ना, तो यहाँ पर ये आ गया एम वी की वैल्यू आ गई और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी करेंगे तो रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, हमें पता चल गया 19.10। तो दसवां न्यूमेरिकल है जी, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम दैट इज अबाउट 1 × 10⁻¹⁰ मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मालूम करनी है, जी बेटे जो हमारे पास साइज, अब ये समझे कि हमें इतने हिस्से में इसको ट्रैप करना है,
आप लोगों को याद होगा कि इसी का एक एग्जांपल हमने की थी, उसमें हमने जो डायमीटर ऑफ द प्रोटॉन की बात की थी, डायमीटर ऑफ द प्रोटॉन की बात की थी, वो 10^-14 मीटर की रेंज में होता है। डायमीटर ऑफ द एटम 10^-10 मीटर की रेंज में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम है जो एग्जांपल में हमने सॉल्व किया, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे 10^-10 मीटर आ जाएगा उसका जो ट्रैप करने वाला डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके अंदर कहीं पर भी हो सकता है, तो इसलिए डेल्टा एक्स हमारे पास डायमीटर ऑफ दी आ जाएगा, और लाजमी तौर पे जो वेव स्पीड के अंदर जो आप उसको कह लें वेरिएशन हो सकती है वो काइनेटिक एनर्जी के हवाले से हम बात करेंगे। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच। इस फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। अब ये डेल्टा पी असल में एम वी के बराबर होगा, यानी मास ऑफ दी वो जीरो से लेकर एम वी तक कोई वैल्यू भी हो सकती है। डेल्टा एक्स की वैल्यू इसके डायमीटर के बराबर होगी और एच हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू 10^-10 मीटर, चूँकि उसने कहा है कि ये एटम के अंदर है हो सकता है, और यहाँ पे 1^10 की ताकत -10 मीटर है, और मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 31 किलोग्राम है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इनटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच। अब इसमें ये डेल्टा वी ही असल में वी के बराबर आ जाएगी, क्योंकि वही हमारे पास अनसर्टेनिटी कहलाएगी। ठीक हो गया जी, न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया जी। उसको